जी पार्टनरशिप क्या होती है? होती क्या है पार्टनरशिप? क्या होते हैं? बहुत सारे पार्टनर होते हैं, और क्या होता है, किसे कहते हैं पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती क्या है? सोल ट्रू पार्टनरशिप क्या होती है? सिंगल ओनर बिजनेस होता है। पार्टनरशिप क्या होती है? एक से ज्यादा वाला, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस करें तो उसे पार्टनरशिप कहेंगे ना। दो तीन चार पांच, ठीक है जी। अच्छा पार्टनरशिप में जब, ठीक है लिख लेते हैं, ये कॉपी कर लें पहले तो। एक मिनट, इसके एडवांटेज क्या होंगे पार्टनरशिप के? अगर हाँ, एडवांटेज क्या हो सकते हैं पार्टनरशिप में मदद करने के? अगर सोल ट्रेडर से कंपेयर करें, सोल ट्रेडर से कंपेयर करें तो पार्टनरशिप के एडवांटेज क्या होंगे? एडवांटेज पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही बंदा करता है, एक ही ओनर करेगा, और पार्टनरशिप में इन्वेस्टर ज्यादा हो जाएंगे, दो तीन चार, तो इसका फायदा क्या होगा? कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी ना। ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा होगी, कैपिटल ज्यादा होगी, ठीक है। और एक पॉइंट, लॉस कम नहीं, लॉस डिवाइड हो जाएगा, ये कहना। लॉस डिवाइड हो जाएगा तो एक को कम मिलेगा, ठीक है, कम लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। और सोल ट्रेडर में सारा लॉस एक ही को बेयर करना पड़ता है, और पार्टनरशिप में लॉस हाँ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये एडवांटेज है कि लॉस डिवाइड हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट भी डिवाइड होगा, ये डिसएडवांटेज हो गया। और क्या हो सकता है पॉइंट्स में? एडवांटेज डिसएडवांटेज और आइडिया आइडियाज, ज्यादा शेयर होंगे, ठीक है, ज्यादा माइंड्स होंगे, ज्यादा आइडियाज शेयर होंगे, ठीक, और बेहतर आइडियाज आप मिल सकते हैं आपको। और डिसीजन मेकिंग आसानी लेंदी हो जाएगी, लेंदी होगी, कि ज्यादा माइंड्स होंगे तो ज्यादा आइडियाज होंगे तो उसमें फाइनलाइज करने में आपको टाइम लगेगा, डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, फिर जाके कोई फैसला लेंगे ना। सिंगल ओनर है, खुद आप जो डिसाइड करेंगे वो कर सकते हैं ना। पार्टनरशिप में क्या होगा, डिफरेंट आइडियाज होंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगी, तो डिसीजन लेना फिर टाइम लगेगा, लेंथी हो जाएगी। और काम आपका डिवाइड हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाएंगी, हर पार्टनर अपने स्किल्स के मुताबिक काम ले लेगा, काम कर लेगा, ठीक है। जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट होगा वो फील्ड वो सेलेक्ट कर लेगा, जबकि सोल ट्रेडर में सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही बार आ जाएंगी, ठीक है। और अच्छा डिसएडवांटेज बताएं, कोई डिसएडवांटेज, कोई डिसएडवांटेज बता दें, प्रॉफिट प्रॉफिट फिर उससे क्या होगा डिवाइड जी, होगा मरने के बाद क्या होगा ये बताए ना। माइनस डिसएडवांटेज तो नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं ना, मतलब पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए तो बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, खत्म नहीं होगा, बल्कि एडवांटेज है। अगर ये चार पार्टनर हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक पार्टनर रिटायर हो गया, तीन रह गए, तो वो बिजनेस कंटिन्यू कर कर सकते हैं। और सोल ट्रेडर है, सिंगल ओनर, डेथ हो गई, बिजनेस खत्म, ये तो एडवांटेज हुआ ना। अच्छा डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है बिजनेस को चलाने में, डिसीजन मेकिंग में डिस्प्यूट आ सकता है ना, एक क्या इस तरह करना है, दूसरा क्या करना है, इस तरह करना है, ये कर लो वो कर लो, तो इसमें डिस्प्यूट के चांसेस ज्यादा होंगे। सोल ट्रेडर में डिस्प्यूट होता ही नहीं है, और ज्यादातर पार्टनरशिप खत्म इसी वजह से होती है, डिस्प्यूट की वजह से। अच्छा ठीक है, चलें ये हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और खास तौर पे क्या एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अक्सर हम लोग जो पार्टनरशिप करते हैं, नॉर्मली जो पार्टनरशिप होती है वो कौन लोग करते हैं, किन के साथ करते हैं? अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो किसके साथ करेंगे? अपनों अपनों के साथ, सही, अपनों। तो अपनों में कौन आ सकता है, कौन कौन हो सकता है अपनों में? हाँ के चचा हो गया, अच्छा और अपने में कौन होते हैं? दोस्त हो सकते हैं, दोस्त हो गए, दोस्तों के साथ कर सकते हैं, कोई कजन्स हो गए, यही होते हैं ना अपने, फिर यही अपने होते हैं। अच्छा तो नॉर्मली क्या होते हैं हमारे, जैसे आप दोस्तों के साथ मिलके या कजन्स के साथ अपने, जैसे कह ले फ्रेंड्स एंड फैमिली,
इसी में बिजनेस करता है बंदा। तो अक्सर क्या होता है, पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट किया आपने, चलो ठीक है बिजनेस करते हैं, इन्वेस्ट किया और सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है। फिर ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पता चला ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ आपको, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया, फिर क्या होगा, फिर फंडा हो बिजनेस जाएगा, फिर क्या होता है, फिर झगड़ा होगा, नहीं इक्वली थोड़ी देते हैं, आराम से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो बात ही, फिर उस पर झगड़ा होता है, कहता है मैंने इतना काम किया, मैंने इतने घंटे टाइम दिया, तुम तो आते ही नहीं थे, तुम सोते रहते थे, तुमने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, तुमने ये, ठीक है। और फिर एंड में क्या होता है, मार झाड़ा हो जाती है, फड्डा हो जाएगा, बिजनेस आपका खत्म। तो ये एक डिसएडवांटेज है, डिस्प्यूट इसमें अक्सर। और बिजनेस के साथ में फिर आपकी दोस्ती रिश्तेदारी भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो करने नहीं चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी करें एग्रीमेंट बनाकर, पार्टनरशिप नहीं पार्टनरशिप करें, लेकिन जब भी करें एग्रीमेंट बना के करें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख के करें, ताकि बाद में ही कोई डिस्प्यूट कोई भी नहीं बैठ जाए ना, ठीक है, कोई नहीं बैठ जाए, ठीक है। अच्छा चलो इसको पढ़ लेते हैं, ये हैंड आउट है, ये आपको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, फोटो कॉपी के लिए भेज दिया मैंने। ओके, तो इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप क्या है, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, क्या इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा ये हैंड आउट है, आपको मिल जाएगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप किससे बेस कर रही है, एग्रीमेंट पर जो कि दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच होगा, और वो एग्री क्या होंगे कि प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे। अच्छा ये क्या लिखा, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या, एक बंदा भी सारे मतलब एक बंदा भी बिजनेस चला सकता है, एक पार्टनर, बाकी घर बैठ के आराम करें, ये सब मिलके भी बिजनेस चला सकते। जैसे इतना होता है ना, अक्सर होता है कि एक शख्स इन्वेस्ट कर देता है, कहता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तुम बिजनेस कर लो, और एक शख्स अपना बिजनेस कर रहा होता है, ऐसा होता है अक्सर कि एक की इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरे की मेहनत होती है, ठीक है। तो एक बिजनेस चलाता है, दूसरा घर बैठ के आराम, ठीक इक्वल करेंगे, कोई भी करना, इसको कोई फिक्स रूल नहीं, वो आपकी मर्जी पर, नॉर्मली 50-50 हो। अगर जब इस तरह होता है ना कि एक इन्वेस्ट करेगा और दूसरे की एफर्ट होती है बिजनेस करता है, तो उसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन 50-50, ठीक है, बाकी मर्जी है, नहीं बाधा क्यों होगी वैसे, जी नहीं इक्वल होती ना, इस तरह में सिचुएशन में नॉर्मली इक्वल होती है, बाकी तो मर्जी है, कोई फिक्स रूल नहीं है, कम ज्यादा करें इक्वल करें, नॉर्मली इक्वल होती है, एक की इन्वेस्टमेंट दूसरे की एफर्ट्स, तो प्रॉफिट शेयरिंग नॉर्मली इक्वल इक्वल, बाकी कोई इसका फिक्स रूल नहीं है कि इक्वल होगी या कम ज्यादा, वो आपकी मर्जी पर है, जो भी पार्टनर डिसाइड करें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते। अच्छा जो एग्रीमेंट बनता है, जो एग्रीमेंट बनेगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, पार्टनर जो भी टर्म्स डिसाइड करें वो लिखकर एग्रीमेंट बना सकते, ठीक है। अच्छा अब इसके एडवांटेज है, रीड कर लें, जो भी पॉइंट है जो भी हमने डिस्कस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर रीड, इसे ऑन करने की जरूरत है, कौन सा नहीं है ऑन, तो अभी लगेगी तो बंद कर देंगे, ये रीड कर लें, बाकी हैंड आउट अभी आपको मिल जाएगा कुछ देर में। पर्सनल लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर फॉर द फर्म्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, सो एन इंडिविजुअल पर्सनल एसेट मे बी यूज्ड टू मीट एनी पार्टनरशिप लाइबिलिटीज द इवेंट ऑफ पार्टनरशिप बैंकर। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आपका बैंकरप्ट हो गया, बिजनेस बंद हो गया, अब आप पर लाइबिलिटीज है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम बिजनेस के एसेट्स सेल करेंगे, सेल करके जो पैसे आएंगे उससे लाइबिलिटीज पे कर देंगे। अच्छा आपका कैश खत्म हो गया, लाइबिलिटीज खत्म नहीं, फिर क्या होगा, जरूर हाँ फिर आपको अपने पर्सनल एसेट सेल करना पड़ेंगे, घर, गाड़ी, ज्वेलरी, जो भी है, यानी कि जब तक लाइबिलिटीज आपकी बिजनेस की लाइबिलिटीज पूरी नहीं होंगी तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी, ठीक है। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का कि बिजनेस की लाइबिलिटीज है, तो उसके लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल
करने पड़ सकते। ठीक, मेरे पार्टनर जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज और है, चार पार्टनर से मर्ज करें, पार्टनरशिप खत्म हो गई, आपने बिजनेस के एसेट सेल किए, कैश जमा हुआ, लायबिलिटीज पे की, कैश खत्म हो गया, लायबिलिटीज खत्म नहीं हुई, तो अब क्या होगा, पार्टनर्स को घर से पैसे लाने पड़ेंगे। अच्छा सपोज तीन पार्टनर्स बिल्कुल बैंकरप्ट हैं, जीरो है, कंगले हैं, तो अब कौन पे करेगा, चौथा पार्ट। ठीक है, अब उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेचना पड़ेगा, कंगला होगी तो खत्म, पार्टनरशिप में फिर कुछ नहीं होगा। दो बंदे दो पार्टनरशिप पार्टनर है, हाँ में, एक की पर्सनल लायबिलिटी है कोई, का कोई मसला हो गया, मतलब बिजनेस में 1% होगी ना दोनों बिजनेस की की, वजह से अपनी अलग, अपनी अलग पर्सनल, अपनी पर्सनल, मतलब बिजनेस से कोई फिर लिंक नहीं है। बिजनेस से कोई लिंक, पर्सनल कोई हो गया और उसको मतलब इस तरह पैसों की जरूरत हो गई, तो वो अपनी परसेंटेज जिस जितनी उसकी बिजनेस में, उससे वो लायबिलिटी पे करेगा ना, मतलब फिर ऊपर तो नहीं आना बिजनेस के चाहिए। ऊपर अगर क्यों आ गया, उससे करनी हो ड्राइंग्स करते हैं तो ड्राइंग करेगा ना, ड्राइंग कर हाँ, ले, वो अपनी परसेंटेज होगी ना उसकी, अपनी तो जो भी परसेंटेज होगा, तो जो भी होगा, मतलब बिजनेस में कोई उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है। अच्छा इसी तरह जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड सोल प्रोप्राइटरशिप में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, जब तक आप लायबिलिटीज पे नहीं करते आपकी जान नहीं छूटती, चाहे आपको अपने पर्सनल एसेट से क्यों ना बेचना। अच्छा ये तो हो गए इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अच्छा अब आते हैं जरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कि जब हम पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो एग्रीमेंट बनाएंगे, एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो फिक्स नहीं होती, आप जो भी डिसाइड करें टर्म्स वो उसमें लिखकर साइन करके अपना एग्रीमेंट बना सकते। ठीक है, यहाँ कुछ जो कॉमन पॉइंट्स उसमें बात कर लेते हैं, क्या क्या टर्म्स हो सकते। अच्छा सबसे पहले तो आ जाएगा नेम ऑफ द फर्म, बिजनेस का नाम आ गया, टाइप ऑफ बिजनेस आ गया, और ड्यूरेशन इफ एनी। अगर किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ड्यूरेशन मेंशन कर देंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और अगर कोई ड्यूरेशन नहीं है तो मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, ये नोट कर लेंगे कौन कितने इन्वेस्ट करेगा। अच्छा इसके बाद एनी सैलरीज टू बी पेड टू पार्टनर। अच्छा ये क्या बात हुई, पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हैं तो सैलरी के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए, आपको सैलरी मिलती है, प्रॉफिट में शेयर मिलता है, प्रॉफिट शेयर इधर कर ले, इधर प्रॉफिट में शेयर हो जाए ना नॉर्मली तो। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि अमाउंट फिक्स कर सकते हैं मंथली की सैलरी के नाम से एक अमाउंट ड्रॉ करते रहे हम, और जब ईयर एंड हो तो उसको अपने प्रॉफिट से एडजस्ट करवाए। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ऐड हो सकता है, जैसे क्या बिजनेस आप कर रहे हैं प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तो हम नॉर्मली ईयर एंड पे कैलकुलेट करते हैं ना, अब ईयर एंड पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ईयर एंड पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा साल जो आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस है वो कहाँ से पे करेंगे, घर कैसे चलेगा, पहला चलिए साल है, पहला साल है फिर क्या जमा करेंगे, अच्छा पहले जमा करके लाए, तो आप क्या कर सकते हैं, सैलरी के नाम से एक फिक्स अमाउंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जब ईयर एंड पे आपका प्रॉफिट होगा तो उसमें प्रॉफिट शेयर में से ये माइनस। अच्छा वैसे जो इम्प्लॉयज को, अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सपेंस चार्ज करेंगे या नहीं, एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं होगा, इम्प्लॉयज को जो सैलरी दी जाती है वो एक्सपेंस चार्ज होगी, अगर पार्टनर सैलरी के नाम से कोई भी अमाउंट ड्रॉ कर रहा है तो वो एक्सपेंस चार्ज नहीं होगा, ड्रॉइंग भी नहीं, बस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, ये क्यों समझ लें कि आप एडवांस प्रॉफिट ड्रॉ कर रहे हैं, लॉस हो गया तो हो गया, बात की बात, बस आ गया वो बात की बात है, देने नहीं देने। तो पार्टनर अगर आप सैलरी के नाम से पॉइंट ये कोई भी अमाउंट ड्रॉ करता है तो वो एक्सपेंस चार्ज नहीं, ठीक है, जब हम पार्टनरशिप का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सैलरी टू पार्टनर वहां एक्सपेंस चार्ज नहीं हो, ये आपके जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी। अच्छा इसके बाद इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन एनी लोन मेड टू पार्टनरशिप बाय अ पार्टनर। नॉर्मली लोन का किससे लेते हैं, बैंक से लिया जाता है, लेकिन पार्टनर से भी लोन इंटरेस्ट ले सकते हैं अगर उसके पास पैसा है तो। अच्छा आप लोन लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, आप इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा तो वो भी आप उसमें डिसाइड कर लेंगे,
कि अगर पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट दे, लोन दे रहा है, तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट उसको मिलेगा, तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर ने लोन दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक्सपेंस चार्ज करेंगे या नहीं? पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, इसमें हम पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेंगे, तो एक्सपेंस चार्ज होगा या नहीं? चार्ज होगा, ठीक। तो लोन का ट्रीटमेंट वही होगा जो नॉर्मल एक बैंक लोन का ट्रीटमेंट होता है। तो लोन के ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, लोन चाहे पार्टनर से लें या बैंक से लें, दोनों का ट्रीटमेंट सेम। अच्छा, इसके बाद जैसे इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस, ये क्या बात है? कैपिटल या इन्वेस्टमेंट आप किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए, तो फिर इंटरेस्ट कैसा? पैसे हाँ, ये पॉइंट देखिए, आप इस पे क्या एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ईयर एंड पे, लेकिन आप एक इंटरेस्ट भी उस पे दे सकते हैं। एक आप सेट कर लें परसेंटेज के पे, जो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बजाय सपोज अपना कहीं बैंक में डिपॉजिट करवा दें, तो उस पर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। तो वही पैसा अगर आप डिपॉजिट करवाने के बाद बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां आपको लॉस होगा, इंटरेस्ट का होगा, ठीक। तो यहाँ पे फिर आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि फिर जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। और उसके बाद इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो फिर पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इसको का ट्रीटमेंट क्या होगा? इसको एक्सपेंस चार्ज करेंगे या नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ये भी एक्सपेंस चार्ज नहीं, ठीक। ये भी हमारा किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो ये एक्सपेंस नहीं होगा। कैपिटल है ना, देखिए कैपिटल आप इन्वेस्ट करें तो उस पर आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा, लोन थोड़ी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, ताकि देखें हो सकता है एक पार्टनर जैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो ये सोचेगा फिर कि पैसे यहाँ मेरे फंस जाएंगे, तो इससे बेहतर है कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पे क्या अट्रैक्शन आ जाएगी ना, कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको कुछ परसेंट रिटर्न तो मिलेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है। तो इससे होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन जो भी हम इस पे इंटरेस्ट देंगे हम पार्टनर्स को, वो एक्सपेंस चार्ज नहीं होगा, वो ईयर एंड पे प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में ही जाए। ये इन शॉर्ट बता दूं आपको, देखिए पार्टनर किसी भी नाम से बिजनेस से अगर पैसे लेगा तो वो एक्सपेंस चार्ज, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ड्राइंग्स हो, कुछ भी हो, पार्टनर अगर किसी भी नाम से बिजनेस से पैसे निकालता है तो वो एक्सपेंस चार्ज नहीं, ठीक है। तो फोटोकॉपी दी तो मैंने, ओके, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद आप देखिए कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो फिर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज भी होना चाहिए। बिजनेस अगर पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, अच्छा पार्टनर ड्राइंग भी तो करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना भी चाहिए। एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट चार्ज भी करेंगे। अच्छा, इसका एक फायदा और होता है इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने का, कि आप कोई भी पार्टनर जो है वो फिर गैर जरूरी ड्राइंग्स नहीं करेगा, वरना इससे भी डिस्प्यूट आएगा, एक पार्टनर की ड्राइंग्स ज्यादा है दूसरे की ड्राइंग्स कम है, तो उस पर डिस्प्यूट हो सकता है ना। जो कम ड्रॉ करेगा वो शोर मचाएगा, ठीक है, ज्यादा वाले पे। इससे बचने का तरीका है कि आप इंटरेस्ट लगा दें, जो जितना ड्रॉ करेगा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे एक तो ये होगा कि गैर जरूरी ड्राइंग्स नहीं होंगी, कंपनी को फायदा होगा, बिजनेस को फायदा होगा, और अगर कोई इंटरेस्ट ड्रॉ करेगा भी तो वो इंटरेस्ट देगा, तो इससे बिजनेस को फायदा भी होगा, और जो कम ड्रॉ करने वाला है उसको फिर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हो, तो डिस्प्यूट से आप बच सकते।
क्या सही हो गए कुछ पॉइंट्स कॉमन। इसके बाद क्या होगा, क्या एक परसेंटेज या रेशियो डिवाइड डिसाइड कर लेंगे जिसमें आपका रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सही, जब ये सारी टर्म्स हो गई ठीक, इसको क्या मिलेगा, उसके बाद आप अपनी जो भी एक परसेंटेज है या एक रेशियो बना देंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किस रेशियो में या परसेंटेज में डिवाइड हो जाए। तो ये प्रोपोर्शन इन विच एनी रेजिडुअल प्रॉफिट इज टू बी एलोकेटेड बिटवीन पार्ट। अच्छा, ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स, बाकी इसमें कोई भी आप पॉइंट ऐड कर सकते, ठीक, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये टॉपिक आपने पढ़ा है किसी ने, इंटर कॉमर्स में अच्छा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, इस एक टॉपिक में कई टॉपिक्स हैं, अगर जो इंटर कॉमर्स उन्हें पता होगा, चार पांच टॉपिक होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में फिलहाल इससे रिलेटेड एक ही टॉपिक है और वो है प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन होगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होंगी, आपने एज पर एग्रीमेंट प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे पॉइंट पढ़ेंगे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड। मेन जी वो इंटर में होता है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ बहुत आसान है, इंटर में होता है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो मेन टॉपिक है ये है प्रॉफिट लॉस, बुकर अहमद, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं, ये हो गई कुछ बातें, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर वन रीड कर लें, सॉल्व करते हैं फिर। क्वेश्चन वन रीड कर लें। दो पार्टनर्स हैं, पाई के निस्कार, चलिए पहले के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 8% पर एनम, इसके बाद सैलरी मिल रही है 6,000 8,000 पर एनम, और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट का रेशियो दे दिया कितना, 3:2 पर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 20,000 प्रॉफिट है, इसके बाद इनके कैपिटल अकाउंट बैलेंस ही है 12,000 और 9,000। ठीक है, प्रीपेयर स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्ट। अभी प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें एक टेबल बनेगा इस तरह से, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है, 20,000 का प्रॉफिट है। अब इस 20,000 के प्रॉफिट को बिल्कुल नहीं दिख रहा, फिर लिखेंगे कैसे, लिखेंगे भाई। अच्छा, अब पहले समझ लें, बाद में आराम से कॉपी कर लीजिएगा। पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइड एट अ रेट ऑफ 8%, इनके कैपिटल कितना है, 12,000 9,000, 12,000 का 8% और 9,000 का 8% कितना बनेगा। ट्वेल्व थाउजेंड का 8% और 9,000 का, देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाई का कितना बन रहा है, 960, कार का 720, 12,000 का 8%, 960, 9,000 का 8%, 720, और दोनों का ऐड करके टोटल के कॉलम में लिख, टोटल इंटरेस्ट हमने का पार्टनर्स को दे दिया। इन्वेस्टमेंट 12 और 9,000, उसका 8%। इसके बाद ये सैलरी है कितनी, 6,000 और 8,000 सैलरी दे देते हैं, सैलरी 6,000 8,000 ऑफ टोटल सैलरी 14,000 हो गई। ठीक, इसके बाद
है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डिवाइडेड बिटवीन पाई एंड स्क्वायर इन द रेशियो ऑफ रेस टू टू, रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कैसे? टोटल प्रॉफिट कितना है? 20,000। 20,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया कितना? 1680, ये माइनस हो जाएगा। 14,000 सैलरी दे रहे हैं, ये माइनस करेंगे। अब 20,000 में से 1680 और 14,000 माइनस करें, आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 4320। अब 4320 को रेशियो में डिवाइड कर देंगे, रेशियो कितना है? 3:2। रेशियो कैलकुलेट करना आते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? और अब 4320 को आप क्या करेंगे, रेशियो का सम कितना? 5। 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद पहले 3 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से मल्टीप्लाई, 3/5, 2/5। तो पाई का शेयर आ जाएगा कितना? 2592 और 1728। अच्छा, ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, इनका कॉलम वाइज टोटल कर लेंगे। कॉलम वाइज इनका टोटल करें तो हमें दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर पता चल जाएगा। तो पाइक का प्रॉफिट शेयर कितना है? 9,552। स्कार का प्रॉफिट शेयर 10,448। और उसको चेक करने का तरीका, इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये नेट प्रॉफिट के इक्वल आना चाहिए। ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। द क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर टू, कॉलेज बी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है? 48,000 का। इसके बाद क्या पी को सैलरी मिल रही है? इसके बाद पी को सैलरी मिल रही है कितनी? 11,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%। बाकी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट स्प्लिट इक्वली सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट लिख लेते हैं पहले। टोटल प्रॉफिट है 48,000 का, सही। अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको एज पर एग्रीमेंट। पहला पॉइंट, पी को सैलरी मिल रही है 11,000, पी को सैलरी दे देते हैं। सेवन थाउजेंड सैलरी हो गई। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%, इसका कैपिटल कितना है? 8,000 और 12,000। 8,000 का 7% जी 8,000 का 7% 560, और 12,000 का 7% 840। ये लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 560 और से 840, और ये टोटल आ गया 1400। नेक्स्ट, अब पहले बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज टू बी स्प्लिट इक्वली। अब बैलेंस किस तरह निकलेगा, बैलेंस का अमाउंट आएगा कैसे? 48,000 टोटल प्रॉफिट है, इसमें से सैलरी माइनस करें 11,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करें 1400, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा ना? 48,000 माइनस 11,000 माइनस 1400, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा आपके पास 35,600। 35,000 को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड बाय टू कर देंगे ना, तो एक पार्टनर का शेयर आ जाएगा 17,800। 17,800। अब इसका प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉलम वाइज टोटल करेंगे। तो ये पी का प्रॉफिट शेयर आएगा 29,360 और क्यू का प्रॉफिट शेयर
18,640 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैं चीज चेंज कर दूं यहाँ पे। कॉपी कर लें। अच्छा कॉपी कर लें, क्योंकि मैंने बताता हूं। नहीं अच्छा, इसमें एक चीज और बता दो, क्वेश्चन में जब एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें दो चीजें आपसे पूछ सकता है वो। नॉर्मली तो पूछता है प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर पूछेगा तो आपने ये बताना है 29 और 18। बाद में वो पूछता है रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर या रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर, वो क्या होगा फिर? वो ये होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर, तो आप ये बताएंगे 17,800, 17,800। अगर क्वेश्चन में लिखा प्रॉफिट शेयर तो आप ये बताएंगे 29,018। इस चीज का ख्याल रखिएगा, प्रॉफिट शेयर पूछ रहे हैं या रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर पूछ रहे हैं आप। शेयर या रिमेनिंग प्रॉफिट, ये डिफरेंस है। ये रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर हो गया और ये टोटल प्रॉफिट शेयर, ये डिफरेंस याद रखिए। टोटल कैसा हुआ?